जिले में आज कोरोना के 32 नए मामले सामने आए। जिला डिप्टी कमिश्नर आर वेंकटेश कुमार ने बताया कि आज यानी 19 जुलाई को जिले में कोरोना के 19 नए मामले सामने आए। इस तरह जिले में अब तक कोरोना के कुल मरीजों की तादाद 996 हो गई है। 1000 होने में सिर्फ 4 बाकी है। इन 32 नए केसेस में 19 का ताल्लुक रायचूर तालुके से है, जबकि 5 का ताल्लुक मांडी से, लिमसगुर वगैरह से है। अब तक आज कोरोना के 43 मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। अब तक डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की तादाद 613 हो गई है। आज शहर में लॉकडाउन मुकम्मल कामयाबी से हमकनार हुआ। आज इतवार होने की वजह से जिला इंतजामिया ने भी सख्त लॉकडाउन किया था और आज शहर में लॉकडाउन बिल्कुल कामयाब देखा गया। जिले के अहम तिजारती बाजार, तीन खंदील बाजार, बस स्टैंड, टिपू सुल्तान रोड और दीगर गंज एरिया, चौरस्ता वगैरह पर आज आवाम को चलता फिरता नहीं देखा गया। ये तमाम सड़कें आज सुनसान नजर आई। इक्का दुक्का गाड़ियों को और इक्का दुक्का पैदल चलने वालों को छोड़कर तकरीबन तमाम सड़कें सुनसान रहीं और तमाम दुकानें वगैरह भी बंद रहीं। कांग्रेस की जानिब से जिला इंतजामिया को 100 बेड दिए गए। जराये ने बताया कि जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से आज जिला इंतजामिया को कोविड के इंतजाम के लिए 100 पलंग यानी 100 बेड्स उनके हवाले जिला इंतजामिया के हवाले किए गए। जिले में बढ़ते हुए कोरोना मरीजों की तादाद और सरकारी अस्पतालों में बेडों की कमी की वजह से कई एक मुश्किलात पेश आ रही थी, जिसको देखते हुए जिला कांग्रेस ने आज तकरीबन 100 बेड जिला इंतजामिया के हवाले किए ताकि उनको कोरोना मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ये बेड बिल्कुल हल्के वजन के हैं और नहायत ही कम्फर्टेबल बताए जाते हैं। इस मौके पर जिला कांग्रेस सदर बीवी नायक और दीगर कांग्रेसी कायदीन भी मौजूद थे। सिया तालाब में कल रात 4 मोटरसाइकिलें नजरे आतिश कर दी गईं। जराये ने बताया कि सिया तालाब इलाके में हफ्ते की रात को नामालूम अफराद ने मकानों के सामने खड़ी रखी गईं 4 मोटरसाइकिलों को आग लगा दी, जिसकी वजह से 4 मोटरसाइकिलें जलकर खाकस्तर हो गईं। इस सिलसिले में शहर के सदर बाजार पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कराया गया। 21 जुलाई से आपाशी किनारों में पानी बहाया जाएगा। कृष्णा जलभाग्य निगम के जराये ने बताया कि 21 जुलाई से नारायणपुर डैम से मुंसलिक तमाम किनारों में पानी का बहाव शुरू किया जाएगा।